क्वेश्चन और इसमें सब्सक्रिप्शन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं आप। 9 में क्या है कि चारों आइटम्स आपको दे रखे हैं, ड्यू अमाउंट दिया है दोनों साल का, एडवांस अमाउंट दिया है दोनों साल का, ठीक है जी। तो इसको भी देख लो। 9th क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन में दिया 479960, ठीक है जी, एक अमाउंट दे रखा है। सब्सक्रिप्शन ड्यू 2018 में इतना था, 2019 में इतना है, दोनों एसेट हैं। सब्सक्रिप्शन एडवांस 640 पिछले साल था, 1000 इस साल है, ठीक है। ये दोनों एसेट्स हैं, ये दोनों लाइबिलिटी हैं, सीधे बैलेंस शीट में जाएंगे और ये प्लस माइनस आपको करने हैं। तो जब चारों चीज़ें दे रखी हैं तो आप ट्रीटमेंट दो तरह से कर सकते हो कि जो इस साल का जो ड्यू अमाउंट है उसको प्लस कर दो, पिछले साल का जो एडवांस है उसको प्लस कर दो, इनको और इनको माइनस कर दो। एक तो ये ट्रीटमेंट है, दूसरा ये है कि इसको अकाउंट बना के चेक कर लो, ठीक है, जब चारों चीज़ें दे रखी हों। दो तरीके हैं इसके। एक तो तरीका ये है कि आप जो है चारों आइटम्स को, जैसे ये दे रखा है इसमें 2 सब्सक्रिप्शन 479 ठीक है। एक तो ये है, इसमें क्या प्लस कर दो, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड, जो इस साल का ड्यू है उसको प्लस कर दो, इस साल का ड्यू है आपका 2800, इसको प्लस कर दिया जी। और क्या प्लस करना है, सॉरी, अगर ये ड्यू एंड कर दिया तो पिछले साल का जो था वो माइनस करना है आपको 100% एट द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग का था दैट इज 2400 वो माइनस करना है क्योंकि पिछले साल से पेंडिंग करता था। मतलब सब्सक्रिप्शन ड्यू यहाँ कितना दिखा रखा है जी, सब्सक्रिप्शन ड्यू यहाँ पे आपके पास है 2800, इसको तो आपको प्लस करना है। और जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू था आपका 2400, इसको आपको माइनस करना, बस इतनी सी बात। ये पिछले साल से पेंडिंग करता था इसलिए माइनस करना है, क्योंकि एक ही अमाउंट दिया है उसी में प्लस माइनस आपको करना है। तो जो ड्यू इस साल का है वो तो इस साल से पेंडिंग करता है वो प्लस होगा, तो पिछला वाला क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि पिछले साल से पेंडिंग करता था। ऐड क्या करेंगे जी, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन एट द बिगनिंग, ये जो था एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको पिछले साल मिला था, ये था आपके पास 640, इसको हमें प्लस करना है क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। पिछले साल मिला था, पिछले साल आपने माइनस किया होगा इसको क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। तो ये पैसा जो पिछले साल आपको एडवांस मिल गया था जो इस साल से रिलेटेड है वो इस साल में ऐड होना चाहिए, इस साल में ऐड कर दिया, पिछले साल तो इसको हटाया होगा आपने, ये इस साल के लिए मिला इसलिए इस साल में प्लस करेंगे। तो अगर इसको प्लस करेंगे तो ये वाला माइनस करेंगे। एक और एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया आपको जो अगले साल का पैसा अभी मिल गया है वो है आपके पास 1000 रुपए, जो अगले साल का पैसा अभी मिल गया वो तो इस साल से पेटेन करता नहीं, हम तो करंट ईयर का बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा जी, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एक ये तरीका होता है, 1000 रुपया आप माइनस कर दो, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। ये जो भी प्लस माइनस करके आएगा ये फिगर आपकी आ जाएगी। तो ये चारों एंट्रीज आप इनकम एक्सपेंस में करो तो भी ठीक है, मतलब इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, ये इस साल से पर्टेन करता है, ये पिछले साल से पर्टेन करता है, माइनस कर दो। ये जो पैसा पिछले साल एडवांस मिला था वो इस साल से पर्टेन करता है इसलिए इस साल में प्लस, ये पैसा जो अगले साल का अभी मिल गया है लायबिलिटी है वो माइनस करेंगे क्योंकि वो इस साल से पर्टेन नहीं करता। बस ये और ये प्लस करने हैं, ये और ये माइनस करने हैं, कारण आपको मैंने बता दिया। दूसरा तरीका इसका क्या है, इतना अगर आप यहां नहीं लिखना चाहते तो अकाउंट बना दीजिए और क्लियर हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी, एसेट का ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर होता है, टू बैलेंस बीडी, ये जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है आपका, समझने के लिए सिर्फ बीडी लिख दोगे तब भी चलेगा, सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है, और बाय बैलेंस सीडी, ये जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है एट द एंड, ये आपको यहां लिखना, ये स्टार्टिंग वाला 2400 और ये एंड वाला 2800, ठीक है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग, ये लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर होता है, क्लोजिंग इधर होता है, तो बाय बैलेंस बीडी इधर लिख दो 640, ये लायबिलिटी आपकी, ये पिछले साल की लायबिलिटी, ये इस साल की लायबिलिटी 640, ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और टू बैलेंस सीडी, ये भी क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन अगले साल का, ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बीडी सीडी से काम चल जाएगा, ये 1000 आपको, ये चारों फिगर दे रखी है, ये चारों आपने इसमें लिखी है और सीधे बैलेंस शीट में डाल दी, खत्म, बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है आपको। अब यहां से सिर्फ फिगर निकाल के यहां लिख देना है, तो एक शॉर्टकट और क्या हो जाएगा, इसमें जो एंट्री बनती है वो मैंने आपको बताया, कैश या रिसीट एंड पेमेंट, एक ही बात है, अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है। अगर ये आपको याद रहेगा तो दूसरी एंट्री आप कर ही लोगे, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट करना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट करना है, किसकी वजह से क्रेडिट है, रिसीट एंड पेमेंट की वजह से। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय रिसीट एंड पेमेंट, बस इसको याद कर लो।
इधर क्या आएगा 100%, दूसरी तरफ क्या आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं। तो ये अमाउंट आपको दिया तो ये निकाल सकते हो, ये दिया तो ये निकाल सकते हो। अगर रिवर्स क्वेश्चन आएगा तो ये आपको आसानी रहती है, उसमें रिवर्स में ये दिया होता ये निकाल लो होता, बस इतनी सी बात। तो ये अमाउंट आपको दिया है 479960, 479960, ठीक है। तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी देखो, बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी ये टोटल देख लो 479483400, 483400 और ये आ जाएगा आपका 480,000, ठीक है जी, 480,000 ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंस करके आपने निकाला। जनरली हम इस बैलेंस शीट को वर्किंग नोट वन बोलते हैं, वर्किंग नोट वन बोलते हैं, ये फिगर में दिखाते हैं, यहां से वर्किंग नोट वन शुरू हो जाता है, इसको आप बोल सकते हो वर्किंग नोट टू बनाया मैंने, वर्किंग नोट टू। और यहाँ इतना लिखने के बजाय सिर्फ एक अमाउंट लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन और ये सब बढ़ जाएगा आपको, ये पेज जो है बहुत इजी हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, बाय सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट और बाकी वर्किंग अमाउंट, बाय सब्सक्रिप्शन ये आ गया आपका 480,000 और ये हो गया वर्किंग नोट, एग्जाम में वर्किंग नोट अपने आप देख लो, ठीक है। खास बात यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट में टोटल अमाउंट होना चाहिए, अगर 2-3 साल का अमाउंट दिया तो ये टोटल होना चाहिए, जब भी अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है जी। 9th क्वेश्चन आपका हो गया, इसी तरह से 13th क्वेश्चन है आपके पास, 13th एक आपको क्वेश्चन मैंने दिया है, 13th क्वेश्चन भी इसी तरह का, इसमें भी चारों आइटम्स दे रखे हैं, ईयर भी शायद यही है, ठीक है जी, ये मैं हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, बिल्कुल ट्रीटमेंट सेम है, सब कुछ सेम। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें तीनों साल का पैसा दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये आइटम आप उठा लेना, अगले साल का 25,000 एडवांस है, तो ये लाइबिलिटी अगले साल की, राइट, अगले साल की लाइबिलिटी है, ये 25,000 उठा लेना। टोटल आपको दिया 143,000 जो आपको अकाउंट में दिखाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट मतलब बैलेंस शीट का आइटम 20,000, ये क्या है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू है, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड 30,000, मतलब ये सब्सक्रिप्शन ड्यू है इस साल का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल आपको कितना मिला था, 20,000 मिला था, और सब्सक्रिप्शन अब कितना मिला है, 25,000। चौथा आइटम यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना ये पिछले में ये आइटम चारों नीचे दिए थे और ये एक फिगर दिया था, इसमें क्या है, तीन यहाँ दिए, एक फिगर यहाँ दिया, चौथा फिगर जो इस साल आपको जो एडवांस मिला अगले साल से पर्टेन करता हो 25,000 वो यहाँ दिया हुआ है। तो आपको जब भी लेना है तो एडवांस ये उठाना है, टोटल फिगर जो रिसीट एंड पेमेंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दिखानी है वो ये दिखानी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, तो इसमें आपको दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये भी 2019 का, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू जो है 31 मार्च 2018 का, ये 20,000 था, और इस साल का कितना है, ये 30,000 है, ओके। पिछले साल जो था आपके पास कितना था जी, 2018 में 20,000 था, और जो इस साल है वो कितना दिया है, जो यहाँ पे दिया है आपको 19-20 में, वो दिया है 25,000। तो चौथा आइटम आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक। चलो जी, अब इसमें क्या करना है, मैं ये चारों आइटम यहाँ पे फटाफट पेस्ट कर देते हैं, 20,000 पिछले साल ड्यू था, इस साल ड्यू कितना है, 30,000 है, ठीक है, पिछले साल ड्यू था 20,000 ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी का, और सॉरी एडवांस, और इस साल एडवांस कितना है, 25,000। चारों आइटम तो आपको मिल गया फटाफट, और रिसीट एंड पेमेंट अमाउंट आपको टोटल अमाउंट लेना है 143, ये ध्यान रखना। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगी, हम यहाँ लिख देंगे खत्म। चलो कितना आया देख लेते हैं टोटल इसका, ये टोटल आया 193, ये आ गया 193, और बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही 148, ये बैलेंसिंग फिगर यहां लिख देंगे एक लाइन में, हो गया 148 और वर्किंग नोट टू, दोनों सेम है क्वेश्चन। उसमें क्या था, चारों चीजें नीचे दे रखी थी, इसमें ये आइटम जो है वो टेबल में दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट में, ये फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना, और जब हम रिसीट एंड पेमेंट लेंगे तो टोटल अमाउंट लेंगे, ये ध्यान रखना।
क्लियर, चले आगे। तो ये आपके हो गए, नाइन्थ क्वेश्चन हो गया। अच्छा टेंथ क्वेश्चन, टेंथ भी बता देते हैं आपको, टेंथ क्वेश्चन में क्या है। तो हर क्वेश्चन आप अकाउंट बना के कर सकते हो, लेकिन आपको क्या है कि अगर चारों चीजें दे रखी हैं तब तो आपको यही लेना पड़ेगा। चलो जी टेंथ क्वेश्चन, मतलब ये 13 था इससे पहले होगा, 9th और 13th मैंने आपको बता दिए। अब आगे टेंथ क्वेश्चन पे, टेंथ क्वेश्चन में क्या है जी, ये भी देख लो, ये वैसे कर चुके हो आप एक ऑलरेडी। इसमें तीनों साल का आपको अमाउंट दे रखा है, टोटल ये दे रखा है, देर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ इतना, 1800 वर इन एरियर्स ऑफ 31-12। तो पिछले साल जो थे 1800 पेंडिंग थे, उसमें से 1600 मिल गए। देखो 1800 पेंडिंग थे ना, उसमें से 1600 मिल गए, इसका मतलब पिछले साल से पर्टेन करने वाले 200 अभी भी पेंडिंग है। मिले कितने हैं, 84,400। इस तरह का आप कर चुके हो पहले, 450 मेंबर्स हैं और 200 ईच पे कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल कितना हो गया जी आपका, 90,000 रुपये मिलना चाहिए आपको। 90 में से आपको 84,400 मिल गया, मतलब इस साल का पेंडेंसी कितनी है, डिफरेंस जो है वो पेंडेंसी है। चलो बता देता हूँ, कोई नहीं, इसमें आपको पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू बता दिया है कितना था जी, 1800 था, और 1800 में से अगर 1600 मिला है तो इसका मतलब अभी भी पेंडेंसी है पिछले साल की, 17-18 का 200 अभी भी बचा हुआ है, 1800 में से 1600 मिला आपको, तो बाकी जो है वो इस साल का होगा 100%। ठीक है जी, देर आर 450 मेंबर्स, कितना है वो नहीं बताया, 450 मेंबर्स ईच पेइंग रुपीज 200। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, 90,000 हो गया, टोटल 90,000 आपका इस साल का सब्सक्रिप्शन बनता है। मिला कितना आपको ये देख लो, बाय सब्सक्रिप्शन मिला है आपको 84,400, और बाकी पेंडिंग है क्योंकि टोटल कितना है आपका, 90,000 है जो बनता है, बाकी कितना हो गया जी, बाकी आपका 5600 और हो गया, इसमें सी माइनस करके 5600 हो गया। क्लियर, चलो जी, तो इसका मतलब इस साल का कितना पेंडिंग है, 5600 पेंडिंग है, तो ये टोटल कितना हो गया, 5600 बस खत्म। और हाँ, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, अगले साल का जो पैसा आपको अभी मिलेगा दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो हो जाएगा आपका 3200। क्वेश्चन में टेबल में एलसी का अकाउंट दिया हुआ, वो यहाँ आ जाएगा, बस इतनी सी बात। चले आगे, और एक क्वेश्चन अच्छा है इसमें, 11th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, इसमें भी आपको चारों आइटम्स दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो जी, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एरियर, सब्सक्रिप्शन एडवांस, चारों चीजें दे रखी, बहुत सिंपल अकाउंट बना दो। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 3,00,000 रुपए है, ये भी बता दिया आपको, टोटल अमाउंट कितना मिला है रिसीटेनमेंट में, और क्या बताया, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 17-18-10,000 अभी भी है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं, जब ये टोटल बैलेंस दे दिया तो ये लाइन कंफ्यूज करने के लिए इसका कोई मतलब नहीं, 10,000 का आपको चार आइटम्स ऑलरेडी दे रखे हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, तो इसमें आपको इस 10,000 की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका कोई रिलेवेंस यहाँ पर नहीं है। चलो, चारों आइटम क्या दे रखे हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू था जी पिछले साल 50,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू था 50,000, और सब्सक्रिप्शन ड्यू इस साल कितना है इन एरियाज 25,000, पिछले साल एडवांस था आपका 30,000, ठीक है जी, और इस साल एडवांस सब्सक्रिप्शन 70,000, चारों आइटम आपको मिल गए, राइट, सीधे अकाउंट बना दो आप, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है जी, टू बैलेंस बीडी, अब तो समझ में आ गया, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है जी, और बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, ये एसेट, ये एसेट का जो बैलेंस है ये वाला और ये वाला, मतलब ये 50,000 ऊपर हो गया पिछले साल का, और इस साल का 25,000, ये एसेट का बैलेंस है, पिछले साल का एडवांस 30,000 और 70,000, अगले साल का ये हो गया 70,000, बस टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय रिसीटेंट पेमेंट, 2 मिनट में निकल आएगा आपका टोटल अमाउंट, आपको मिला है कितना जी, 3,00,000 रुपए मिला हुआ है।
कितना हो गया जी, 3 लाख मिला है तो टोटल हो गया 3,55,000। राइट, और डिफरेंस आ गया 2,35,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया आपने, राइट। ये बैलेंसिंग फिगर यहां जाएगी, क्वेश्चन खत्म। रेफरेंस क्या दे देंगे, अगर ऐसे बना रहे तो वर्किंग नोट टू दे देंगे, खत्म। बैलेंस शीट की चारों आइटम आ गए, ये आपने इसमें पोस्ट किए तुरंत, और इससे आपने ये निकाल दिया 2,35,000 निकल के आ गया, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको कुछ बैड डेट्स की फिगर मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 12, वो हम पढ़ लेते हैं एक बार और उसको करने की कोशिश करते हैं। ये फिगर हटा देता हूँ, इसमें भी अकाउंट बना देंगे। क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 12, चलो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमिन अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का ही बन रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ये है, फॉर द ईयर एंडेड 20,000, फॉर द ईयर एंडेड आपको कितना मिला, ये रिसीट एंड पेमेंट की फिगर है, 20,000 मिला पिछले साल का, करंट ईयर का 3,00,000 रुपये मिला और अगले साल का 30,000 रुपये आपको मिला। जैसे यहाँ पे लिखे रहते ना 17, 18, 18, 19, 20, 21, वही चीज़ यहाँ लिखी है, ये 17, 18, 18, 19 है 19, 20 है, ठीक है। तीनों साल का, ये तीनों साल का पैसा इस तरह से दिया फॉर द ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था जी, पिछले साल 35,000 था, ठीक है जी। आउट ऑफ विच 5,000 इज इररिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल, मतलब ये डूब गया पैसा, बैड डेट समझ लो आप इसको, कोई बंदा सोसाइटी छोड़ के चला गया या कुछ पैसा जो है वो आपको नलीफाई करना है, वो रिकवर नहीं हो सकता बैड डेट्स की तरह से, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ऑन दैट डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव एंड एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 20,000 था, ये क्लोजिंग बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 जो है अभी 60,000 है, तो 35,000 पहले था, 60,000 अभी है, ठीक है जी। 35,000 पहले ओपनिंग बैलेंस था और 60,000 अभी है। ओपनिंग बैलेंस इसका 20,000 था, बाकी देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस 20,000 ये एडवांस का था, ये जो 20,000 है पिछले साल एडवांस था, इस साल एडवांस कितना 30,000 है। चारों आइटम आपको दे रखे हैं, ये यहाँ पे दे रखा है बस। चलो जी, चारों आइटम आपको एक तरह से दे रखे हैं यहाँ पे, चारों लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पिछले साल सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना था जी, 35,000, और इस साल सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है, 60,000 है, ठीक। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था, एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछली बार था, एडवांस सब्सक्रिप्शन ये क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, और यहां पे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है जी, अभी 30,000, जो अगले साल का आपको पैसा अभी मिल जाएगा, जो आपको टेबल में दे रखा है, ठीक है जी। एडवांस सब्सक्रिप्शन 30,000, पैसा मिला कितना है वो रिसीट एंड पेमेंट में आ जाएगा, पैसा मिला कितना है जी, 3,00,000 रुपये मिला, राइट। ये 35,000 में से 5,000 डूब गया पैसा, उसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। राइट ऑफ करना है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो देख लेते हैं। राइट ऑफ तो लॉस होता है एक तरह से, वो पैसा तो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है वो नहीं मिलेगा, तो जनरली आपको क्या एंट्री मिलती है, कैश या रिसीट एंड पेमेंट, एक ही बात है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट मिलता है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और इस सब्सक्रिप्शन को आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर रहे हो, क्रेडिट साइड में। तो ये क्या हो जाता है जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यही कर रहे हो। इस केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये सब्सक्रिप्शन आपको पूरा नहीं मिलेगा, इसमें से 5,000 रुपये आपका लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ होगा, उतना सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ होगा, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, जैसे बैड डेट होता था उसी तरह से, टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जनरल एंट्री समझने के लिए। और ये कहाँ चला जाएगा, रिटर्न ऑफ कहाँ जाएगा, जैसे पीएनएल में डेबिट साइड में जाता था बैड डेट, ये भी डेबिट साइड में जाएगा, इनकम और एक्सपेंसर के डेबिट साइड में जाएगा,
ठीक है जी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, ये भी नया आइटम। अगर कुछ पैसा डूब जाए तो क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कहां दिखाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाना है, क्योंकि पैसा नहीं मिला आपको तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिटर्न ऑफ है। कहां दिखाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट है, किसकी वजह से क्रेडिट है, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ की वजह से, तो बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। कितना जी, 5000 रुपए डूब गया वो यहां पे दिखाना है। ओके, और कहां दिखाना है, ये जो डूब गया है वो आपका लॉस एक तरह से, तो लॉसेज हम कहां दिखाते हैं, रेवेन्यू लॉसेज है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में आ जाओगी तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ एक तरह से लॉस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर वो सब भी यही दिखाते हो आप, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग जो भी है, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 5000 रुपए आपको नहीं मिला, ये राइट ऑफ कर दो। ठीक है जी, जो एक्चुअल मिल गया था वो ये था, जो नहीं मिला था वो ये था, दोनों एंट्री आपने कर दी इसके हिसाब से, जनरल एंट्री के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग फीट कर दो, टू बैलेंस बीटी 35000 था वो यहाँ लिख दो, पिछले साल का जो मिलना था आपको, इस साल का जो मिलना है अभी भी वो कितना है, 60000, पिछले साल जो एडवांस मिलना था, जो एडवांस मिला था आपको, और इस साल जो एडवांस मिला है वो है 30000। एक नया आइटम ही तो ऐड हुआ है और क्या, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। ये नया आइटम आपने यहां भी दिखाया और यहां दिखाया एज पर जनरल एंट्री, क्योंकि ये लॉस है, लॉसेस को हम डेबिट में बुक करते हैं, जो भी राइट ऑफ हो गया, जो नहीं मिलेगा पैसा वो ये है, जो इस साल का बनता है वो ये। चलो अब यहां कितना आ जाएगा, ये 20000 हो गया। अच्छा, पैसा कितना मिला आपको रिसीट एंड में देख लो, रिसीट एंड में 3 लाख नहीं मिला, टोटल अमाउंट कितना पड़ेगा आपको, कितना मिला है जी? देखो ध्यान से, जब मैंने बताया जब अकाउंट में लिखोगे आप तो फिर आप पूरा अमाउंट लिखोगे, अकाउंट में जब लिखना है तो आपको पूरा अमाउंट लिखना है, 3,50,000 जो मिला है आपको एक्चुअल में। ठीक है जी, जब आपको अकाउंट में लिखना है तो पूरा लिखना, तो ये अमाउंट आपका 3,50,000 हो जाएगा। ठीक है, 3,50,000, तो टोटल कितना हो गया जी, ये टोटल आपका हो गया 4,35,000, और ये हो गया 4,35,000, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये 370 आपको यहाँ दिखा। जब भी अकाउंट बनाना है ये अमाउंट टोटल रिसीट एंड पेमेंट में, अगले साल का, पिछले साल का, जो भी है करंट ईयर का टोटल अमाउंट आएगा, ये ध्यान, नहीं तो गलत हो जाएगा। अकाउंट में रिसीट एंड पेमेंट की एक एंट्री आएगी और जितना पैसा आया सारी एंट्री आएगी। ठीक है जी, यहाँ प्लस माइनस दिखाते हो तो अलग बात है, वो अलग चीज है, लेकिन जब रिसीट एंड पेमेंट की एंट्री कर रहे हो तो पूरा अमाउंट दिखाना है। सिर्फ एक नया आइटम क्या है, जो सब्सक्रिप्शन मिलना था वो नहीं मिल रहा जी, जो सब्सक्रिप्शन मिलना था वो नहीं मिल रहा, जनरली मिलता है इसमें जाता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इतना अमाउंट डूब गया आपका, तो इसको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करके सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में डाल दिया मैंने, और इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में डाल दिया। तो पहले जनरली क्या होता है, कैश टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन टू इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब ये क्रेडिट और डेबिट खत्म हो जाता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। यहाँ क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ डेबिट, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ क्रेडिट खत्म हो गया। अल्टीमेटली क्या है, जो बचा हुआ सब्सक्रिप्शन है वो इनकम एक्सपेंडिचर में आपका चला जाता है। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना हो गया, 370 आपका बैलेंसिंग फिगर, और की नोट 2 से आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन 13 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 11 भी बता दिया, ये मैक्सिमम क्वेश्चन ये है जिसमें आपको राइट ऑफ कुछ अमाउंट अगर आता है, तो एक क्वेश्चन में शायद मैंने अलग से दे रखा आपको रिटर्न ऑफ कुछ है ऐसा बैड डेट टाइप का, तो बैड डेट जैसे पीएनएल में आप डेबिट करते थे बैड डेट लिखते थे, यहाँ पे उसको लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। कोई बैक ऑफ कर गया, कोई भाग गया बंदा, जिसकी सब्सक्रिप्शन मिलना था नहीं मिल पा रहा, इररिकवरेबल हो रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके जी, थैंक यू।